हमसे एक ही चीज बात बोली, 24 ही सेंटर ऐसे नहीं मिलता है, क्योंकि कोरोना का सेंटर ऐसे नहीं मिलता है, आपको एक काम करना होगा। तो मैंने बताया तो क्या सर काम क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया प्रमोद जी थे और नागमणि जी थे, ये जो थे अजीत जी के रेफरेंस से सारी चीजें हो रही है, अजीत जी फ्रंट में नहीं थे। तो प्रमोद जी हमसे बोले कि चौबे सर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली एट अ टाइम मस्ट वी हैव टू पे 3 लाख रुपीज। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, सेंटर पर आपको थोड़ा सा कॉपरेट करना होगा। मैंने कहा सर व्हाट डू मीन बाय कॉपरेट, तो उन्होंने कहा कि कॉपरेट का मतलब यह है सर यहाँ पर प्रत्येक बैच में 20 या 26 बच्चे का हम लोग सेटिंग करेंगे, जिसमें आपका कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि बाथरूम में जाने के दरमियान वो लोग स्कॉलर को बैठाते हैं, आपको करोड़ों की कमाई होगी, आपका जितना भी लगा हुआ है हम लोग सोचेंगे कि एक बार में आप 2 से 3 करोड़ रुपया कमा लीजिएगा। तो मैंने इसका खिलाफ किया, मैंने कहा सॉरी सर मैं 10 बाय 10 कमरे से यहाँ पर आया हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, बिहार लेवल पर 12-13 अवार्ड भी मिल चुका है मुझे, नेशनल लेवल पर शिक्षा रत्न भी मुझे मिला है, और मेरी छवि ऐसी है कि हम 2 पल के लिए टेम्पोररी इनकम परमानेंट प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहते हैं। दूसरी चीजें क्या है कि अदर सेंटर के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है छोटे सर मैं निकल रहा हूं, और यहां से जाने के बाद कल उन्होंने मेरे को डायरेक्ट अचानक यह मैसेज आ गया कि आपका सेंटर कैंसिल हो गया, क्योंकि मैं उनकी बातों से सहमत नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने मेरा 70 लाख लगाया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ सेंटर को कैंसिल कर दिया और उन लोगों को उन्होंने दे दिया। मे भी हो सकता है कि उन लोग उनकी बातों से सहमत हुए हैं, उनको सेंटर उन्होंने दे दिया। दूसरी चीज तो मैंने पैरामीटर पूछा कि आखिर में एसएससी का कोई तो पैरामीटर होगा मुझे रिजेक्ट करने का, तो आप आइए हमारा सेंटर देखिए, आप लोग भी वीडियोग्राफी देखिए कि मेरा इतना हाईटेक सेंटर है, मेरे सेंटर का 100 टाइम नीचे वाले सेंटर को कचरा में उन्होंने सेंटर दिया है, जहां पर बच्चे खड़े नहीं होंगे, पाकी है, कीचड़ है, कूट से किया गया है, वहां पर उन्होंने सेंटर दे दिया और मेरे सेंटर को पैरामीटर का झांसा देकर करके उन्होंने मेरे सेंटर को रद्द कर दिया। तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा कि सर प्लीज गिव मी रिटर्न, भले आप मुझे रिटर्न दीजिए कि मेरा पैरामीटर कौन सा ऐसा कमजोर है जो एसएससी के पैरामीटर को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये है एसएससी के जो मिले हुए हैं हमारे पास, जो आए हुए थे सर प्रमोद जी आए हुए थे, अजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, नागमणि जी भी हैं और प्रेम भी आए थे, और लास्ट में जब मैं एक्शन लिया कि आई विल टेक फाइनल डिसीजन, मैं मीडिया को खबर करूंगा, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर चंद्रमदन मिश्रा से हमसे बात कराई कॉन्फ्रेंस में, और चंद्रमदन मिश्रा जी ने मुझे आश्वासन दिया चौबे जी ये सेंटर तो नहीं होगा, अगला से मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि अगला सेंटर मैं जरूर आपको दूंगा। मैंने कहा सॉरी सर अनवांटेड डिमांड और सेटिंग परमिशन मैंने नहीं दिया, तो आपने मेरा 1 महीने का सेंटर कैंसिल कर दिया, और हरेक सेशन में सर हरेक मतलब शिफ्ट में 150 बच्चे बैठते हैं, एक दिन में हमारे पास 450 बच्चे बैठेंगे, तो 30 दिन में कंटिन्यू 30 डेज का ये एग्जामिनेशन है। मैंने इसके खिलाफ अगर मोर्चा उठाया है तो उन लोगों ने सबसे पहला पनिशमेंट मेरे को दे दिया है कि आपका 70 लाख डूब गया, आप दिवालिया हो जाओ, और उसने मेरे सेंटर को रिजेक्ट कर दिया। तो मैं मीडिया के सामने ये खुल करके बातें शेयर कर रहा हूँ कि सर मैं दिवालिया होने के कगार पर हूँ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, मैं किसी से कर्जा लेकर करके बैंक से लोन लेकर के 70 लाख रुपया लगा दिया, इसका भरपाई कौन करेगा? क्या अगर मैं सच हूँ, अगर सच का खुलासा कर रहा हूँ, यही बातें जब मेरा सेंटर बदनाम होता तो मैं जेल में जाता, तो मैं उससे बचने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, तो क्या मेरी इसमें गलती है? इससे हमारे शिक्षा मिनिस्टर हो, जो नेशनल लेवल के शिक्षा हो मिनिस्टर हो, या हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हो, हमें इसके बारे में बताया, और मैं चाहूंगा कि प्रशासन को भी इसका इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि जो मेरे साथ ये किए हैं, और बैंगलोर में जाकर के ये डिस्कस करते हैं और जाकर के हमसे इस तरह से बोलते हैं, और मैंने उसको रिजेक्ट किया, उसने उन्होंने मेरा सेंटर कैंसिल कर दिया। आपको लगता है कि तमाम सेंटर जहां बनते हैं वहां पर इस तरह के घोलमाल का काम होता है? सर दूसरी चीज है कि अदर सेंटर के बारे में तो मैंने देखा, जो मेरे साथ प्रतिक्रियाएं हुई मैं तो उसी के बारे में बता सकता हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं दूसरे के बारे में, दूसरे के सेंटर में मैं गया, मेरे सामने जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया मैंने उसको सुना, देख हमने डिसीजन लिया। नहीं आप बोल रहे हैं कहीं कहीं ऐसे भी सेंटर है जहाँ पे पूछ लगाकर सर आप चांदमारी रोड में जाइए, आप यहाँ मलाही पकड़ी में जाइए, रेसिडेंस है हमारे सेंटर का, हमारे सेंटर से 100 टाइम नहीं 10 टाइम्स पुअर मूवमेंट, वहाँ का एनवायरमेंट भी है, मतलब सेंटर का सेटिंग भी सही नहीं, वहाँ सेंटर के लिए यानी वहाँ पर हमारा एसएससी का पैरामीटर ओके है, और हमारे पास और फैसिलिटीज आर अवेलेबल, हाईटेक है, दूसरी चीजें स्टेशन लेवल पर दिया जाता है। फर्स्ट टाइम उन्होंने आया तो बोला कि आपका तो सेंटर सर इतना अच्छा है, यहाँ तो बच्चियां भी आएंगी, क्योंकि आपका रेलवे स्टेशन दोनों बीच में है, बस स्टैंड है, आपका सेंटर तो टॉप 5th में आएगा। और अचानक जब इस तरह का उन्होंने वार्तालाप किया और जब मैंने डिसीजन लिया तो उन्होंने हमारे सेंटर को ही कैंसिल कर दिया। आगे आप कहीं लिखेंगे चिट्ठी पत्र पीएम? नहीं, सबसे बड़ी बात सभा जी सर, मैं ये बात क्योंकि मैं 70 लाख रुपए, मैं तो दिवालिया हो गया सर, मैं तो दिवालिया हो गया, 70 लाख रुपया 1 महीना मैंने अकेले इन्वेस्ट किया है, बैंक से कर्जा लेकर करके, अपने पड़ोसी से कर्जा लेकर करके, इस उम्मीद पर कि हम अच्छा काम करेंगे, इन लोग कहते हैं कि आप एक ही बार में करोड़पति बन जाइए, इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि ये बातें, हम चाह रहे हैं कि हमारे बिहार के शिक्षा
मंत्री जो है उनके पास ये मैसेज आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास, क्योंकि ये सेंटर का एग्जामिनेशन है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाना चाहिए, नीतीश कुमार जी के पास भी जाना चाहिए। और मैं ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से मैं सबको प्रशासन को भी देना चाहूंगा कि जो हमारे एसएसपी सर हैं, जो डीआईजी सर है, डीएसपी सर है, ये सारा मैसेज मैं उन लोगों को देना चाह रहा हूं सर। हमारी सिर्फ एक ही गलती है कि उनकी बातों को मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरा सेंटर को कैंसिल कर दिया। यही सारी चीजें हैं सर। इसलिए हम चाहेंगे कि हम मतलब अपने सब कुछ लगा दिए हैं, 70 लाख रुपीज। मेरा बैकग्राउंड यही है कि मैं एक निम्न परिवार से आता हूं और इतना मैं भीख मांग मांग करके जुटा जुटा करके एक अच्छा काम करने जा रहा था और इन लोगों ने अनवांटेड डिमांड किया तो हम नहीं पूरा किया, इसलिए इन्होंने कहा कि जाइए आपको दवा देते हैं। इन्होंने मेरा सेंटर ही कैंसिल करा दिया। इसमें सबसे बड़ा खेल खेलते हैं सर अजीत सर। अजीत सर का पूरे बिहार और झारखंड में वो स्टेट क्वार्टर, ही इज अ डिसीजन मेकर, वो और एसएससी मिलकर करके, क्योंकि एसएससी और सिफी एक दूसरे का कोऑर्डिनेटर है और वो लोग मिलकर करके, मैंने उनसे आज ही बात किया एक घंटा पहले कि सर कुछ बातें हैं तो बताइए, अदरवाइज मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं, क्योंकि आप क्यों सेंटर कैंसिल किया इसका मुझे लिखित बयान दीजिए कि मेरा पैरामीटर अगर फॉलो नहीं किया तो मुझे लिखित दे दीजिए। ये हमारी बस यही हमारी गलती है, इसलिए उन्होंने मेरा सेंटर कैंसिल कर दिया सर। ठीक है।